हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मैं भी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, आप जब भी स्टूडेंट डिसर्टेशन लिखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से टूल यूज होते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज 6 टूल के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये 6 टूल के नाम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर हम 1 by 1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्विलवुड, सेकेंड वन टर्निटिन, थर्ड वन इज कोर जीरो, फोर्थ वन इज चेक, फिफ्थ वन इज ग्रामरली एंड 6th वन इज रीड एंड राइट। ये 6 टूल है। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1 हर एक टूल के बारे में। सो क्विलवुड के अंदर आपके पास जितना भी आपने जो लिखा है, पैरा लिखा है, वहां जाके आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हो, सेंटेंस को रीफ्रेम कर सकते हो या उसको रीडिजाइन करके लिख सकते हो। तो क्विलवुड का यूज ऐसे होता है, जैसे आपने डिसर्टेशन स्टार्ट किया, डिसर्टेशन के अंदर आपने लिखते लिखते आपको लगा कि कहीं से आपने रेफरेंस लिया है, बट रेफरेंस के हिसाब से आपको लग रहा है कि कॉपी पेस्ट का सिनेरियो बढ़ जाएगा, दैट टाइम आप क्विलवुड का पेड वर्जन लेके आप उसके अंदर आपके जो भी सेंटेंस है उसको रीफ्रेम पैराफ्रेज करके आपके जो भी डिसर्टेशन है, आपके असाइनमेंट है, उसमें ऐड कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं टर्निटिन के बारे में। टर्निटिन हर एक को पता होता है, जो स्पेशली वही स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पता होता है जो स्टडी अपलोड करते हैं। तो ये ऐसा टूल होता है, जैसे आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट ने कोई रिपोर्ट लिख दिया है या फिर ऐसे लिख दिया है, और आप वही ऐसे आपने खुद लेके खुद के अंदर उसको ले, उसमें से थोड़े बहुत पैरा डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिए। इस सिनेरियो के अंदर जब कॉलेजेस असाइनमेंट्स चेक करती है तो टर्निटिन के अंदर आपका रिपोर्ट अपलोड होता है। जैसे आपका रिपोर्ट अपलोड हो गया तो टर्निटिन उसमें से निकाल देगी कि आपने एक्स स्टूडेंट में से इतने इतने पैराग्राफ लिए हैं और गूगल में से इतने लिए हैं। तो कॉलेज इसकी लिमिटेशंस होती है कि बिलो 7% या 8% से नीचे वाला आपका अलाउड है टर्निटिन रिपोर्ट के हिसाब से सिमिलैरिटी। अगर 7 to 8% के ऊपर सिमिलर होता है तो कॉलेज आपको फेल करती है, फिर आपके सामने पूरी टीम बैठती है कि आपने जो भी रिपोर्ट लिखा है वो गलत है या फिर कहीं से कॉपी किया हुआ है, दैट्स वाई आपको XYZ पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट ओवरसीज में फेस करते हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम से फेस नहीं करना है और बच के रहना है तो मेक श्योर आप टर्निटिन का पेड वर्जन में जाके आप ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गूगल पर जाके कोई भी टर्निटिन या सिमिलैरिटी चेकिंग कीवर्ड डाल के उसके रिलेटेड जितनी वेबसाइट मिलती है उस पर जाके रिपोर्ट डाल देते। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि ऐसे करने से आपके रिपोर्ट में सिमिलैरिटी कभी नहीं जाती बल्कि बढ़ जाती है और आप और प्रॉब्लम में लग जाओगे। इससे अच्छा है कि आप टर्निटिन यूज करो, तो उसका जो भी पेड वर्जन है वो लेकर यूज करो और कोई वेबसाइट पे जाके सिमिलैरिटी मत चेक करना, सही में फंस जाओगे। अब हम बात करते हैं कोर्स हीरो के बारे में। कोर्स हीरो सिमिलर टू चेक ही होता है, लेकिन कोर्स हीरो यूके में, US में, कनाडा में, हर जगह पे ये कॉमन यूज होता है। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटर्स होते हैं और उसके अंदर आपको खुद असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको क्रेडिट मिलती है। जब आप पेड वर्जन में जाते हो तो 30 डेज है या 31 डेज है, वो क्रेडिट के हिसाब से आपको असाइनमेंट बना हुआ आपको चाहिए तो आपको ट्यूटर को क्वेश्चन करना पड़ता है, ट्यूटर आपको आंसर देते हैं, वो आंसर को आपको देखना पड़ता है कि वो सिमिलर है कि नहीं, उसको मॉडिफाई करके आप आपके असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा, उसके अंदर आप बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं, अगर वो क्वेश्चन के आंसर आप करके आप अपलोड भी करते हो तो आपको सामने और क्रेडिट मिल जाती है कि आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये दोनों वाइस वर्सा वर्क करता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हो और आपको लिखना भी आता है, कोई और स्टूडेंट का आंसर आप लिख सकते हो और आपके आंसर जो कॉम्प्लिकेटेड है आपको नहीं आते हैं तो यहाँ से आपको मिल सकता है। तो दोनों तरह से आप ये कोर्स हीरो के ऊपर जाके वर्क कर सकते हो, आपके असाइनमेंट्स भी कर सकते हो और किसी के असाइनमेंट की हेल्प भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आप पेड वर्जन में जा सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं चेक के बारे में। चेक बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है और काफ़ी ऐसे नए स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी अब्रॉड जाते हैं उनको नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स चेक उसी जगह पे यूज होता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस डालते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उसके आंसर देते हैं। तो आपको आंसर लेना और देना, ये दोनों प्रोसेस के लिए चेक यूज में होता है। और मोस्ट प्रोबेबली चेक कनाडा की कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स यूज करते हैं। चेक यूज करने से उनको बहुत सारे ट्यूटर्स और जो भी फैकल्टीज होते हैं
और फ्रीलांसर एक्सपर्ट होते हैं रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट के, वो उनको आंसर देते हैं और उसके पेड वर्जन में आपको सारे आंसर मिल जाते हैं इजीली। तो जब भी आपको अर्जेंट में असाइनमेंट करना है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप चेक का पेड वर्जन ले सकते हैं और उसके अंदर से आपको, हाँ बट मेक श्योर आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने भी आने चाहिए और वो प्लेगरिज्म फ्री होते हैं, बट मेक श्योर वो एक बार आप प्लेगरिज्म भी चेक करवाने के बाद उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करके आप सबमिट कर सकते हो। तो चेक इसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रामरली। ग्रामरली सबको पता है इंडिविजुअल मेल लिखने वाले होते हैं या रेगुलर असाइनमेंट ऐसे या डिसर्टेशन, आप कुछ भी लिखते हो हर एक जगह पे ग्रामरली चेकर आप रखो। ग्रामरली फ्री वर्जन भी आता है और पेड वर्जन आता है। फ्री वर्जन वही लोग यूज करते हैं ज्यादातर जिनको छोटे छोटे मेल लिखने होते हैं, डेली रूटीन के अंदर थोड़ा बहुत कन्वर्जेशन करना होता है, उनके लिए फ्री वर्जन चलता है। बट अगर आप स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आपका ग्रामरली प्रॉपर नहीं है, आप जब भी आप कुछ लिखते हो आपके ट्यूटर्स वगैरह भी आपके हर एक रिपोर्ट के फीडबैक के अंदर ग्रामरली का बोलते हैं कि ग्रामर इज नॉट प्रॉपर, नॉट अप टू द मार्क्स, दैट टाइम आप ग्रामरली का पेड वर्जन ले लो। ये पेड वर्जन से आपके पूरे रिपोर्ट के अंदर से 1000 के वर्ड्स आप उसमें अपलोड करो और आप चेक करो कि वो प्रॉपर ग्रामरली चेक्ड है कि नहीं। उससे आपका जो भी रिपोर्ट है उसका प्रॉपर ग्रामर चेक होके आपका रिपोर्ट प्रॉपर लैंग्वेज में अलाइन हो जाएगा। तो ग्रामरली आपको इस पार्ट आपको रिपोर्ट के अंदर हेल्प होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वन टूल के बारे में, रेफरेंस एंड राइट। रेफरेंस एंड राइट इसी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको रेफरेंस नहीं पता होते कि कौन से स्टाइल में रेफरेंस डालना है, एपीए में करना है या फिर अलग अलग जो भी होते हैं। तो वही सारे रेफरेंसेस को अलाइन करना है और प्रॉपर लिख के सिमिलैरिटी का ध्यान में रख के रिपोर्ट लिखने के लिए ये वाला टूल है रेफरेंस एंड राइट। ये टूल के ऊपर जाके आप उसका भी परचेस वर्जन, मतलब जो भी प्रीमियम वर्जन है वो आप परचेस करो और उसके ऊपर आप पूरा ऐसे लिख सकते हो। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी इजीली हेल्प मिल जाएगी और इसके अंदर भी बहुत सारे टूल मर्ज किए हुए हैं। तो आपको रेफरेंसेस वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि रेफरेंस कौन सी स्टाइल में करते हैं, क्योंकि रेफरेंस की स्टाइल कंट्री वाइज अलग अलग हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप ये वाले टूल से आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने 6 टूल के बारे में आपको बताया वो टूल कभी भी फ्री में मत यूज़ करना, क्योंकि फ्री के अंदर एक लिमिटेशन होती है। तो आपको जितना भी इनका 1 मंथ का भी आता है पेमेंट के लिए कि 1 मंथ के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन लेके यूज़ करना है तो 1 मंथ के लिए ले सकते हो, पूरे साल का लेते हो तो उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलता है और मल्टीपल यूजर्स के लिए भी होता है। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टूल परचेस करना और आपका जो भी डिसर्टेशन एसे या जो भी स्टडी रिलेटेड वर्क होता है राइटिंग का, तो ये सारे टूल्स की हेल्प से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मयूरी। जय हिंद।